हम जम्मू तवी स्टेशन पे हैं और ये हमारी ट्रेन पीछे है, हम उतर गए हैं और बहुत सारी फोटोज क्लिक की ताकि हम थंबनेल सेट कर पाए। और अभी हम जा रहे हैं, हम जाएंगे हमारे कार में और वहाँ पे हमने मेरे पापा ने कैब की है, तो वहाँ से हम श्रीनगर के लिए जाएंगे, ठीक है। और गाइस मैं यहाँ की वेदर अपडेट दूँ आप सबको, तो गर्मी है अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब जैसे हमारा नॉर्मल पुणे में जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर यहाँ पर भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा नज़ारा, लोग आ जा रहे हैं और ये गाड़ी है, इस गाड़ी से हम जा रहे हैं, का नाम आई डोंट नो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तवीरा है ओके, तो ये इस गाड़ी से हम जा रहे हैं ओके। एंड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, अच्छी बात है, मई जून का महीना है, टूरिस्ट तो होंगे ही, गर्मी है अच्छी खासी तो आप ट्रैवल कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो जम्मू से लेके श्रीनगर का रास्ता है वो 300 किलोमीटर का पड़ता है, तो 6 घंटे लग जाते हैं अप्रॉक्स तक, क्योंकि अगर ट्रैफिक लग गया बीच में तो रुकना पड़ता है और हिली एरिया है, हमें संभल के चलानी पड़ती है गाड़ी ओके। तो चलते हैं अभी, अंकल सामान चढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ बतानी थी, अभी मैंने आपको ट्रेन ट्रिप करवाई, अभी मैं आपको रोड ट्रिप करवा रही हूँ। ये हमारा episode 3 है ऑफ आर ट्रैवल सीरीज। आप सबको इंट्रो देकर हम निकल गए हमारी मंजिल की तरफ, जो कि है अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर समझ लो या गांव मान लो, खनाबल। तो चलो हमारी जर्नी शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल जो कि पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे पेट्रोल भर के हम फिर से निकल गए हमारे सफ़र पे, जो कि श्रीनगर जाना था। और अगर आपको पठानकोट जाना है तो आपको मुड़ना पड़ेगा, नहीं हमें श्रीनगर ही जाना है। हर रोड ट्रिप में सिर्फ आपको नेचुरल चीज़ें ही नहीं दिखती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही मनोरंजक होती हैं, लेकिन हम वहाँ पे रुकते नहीं हैं, कुछ पल के लिए उसे देखकर ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ थी जम्बू ज़ू, ज़ू था ये जम्मू तवी का फेमस ज़ू, जो कि मुझे बाहर से देख कर ही बहुत खुशी हुई। और अगर आप जा रहे हैं तो रोड ट्रिप में आपको बहुत सारे बोर्ड दिखेंगे जो आपको आपके सफ़र में ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ पर मुझे जाते वक्त नदियाँ भी दिखाई दी, पहाड़ भी दिखाई दिए और पौधे भी दिखाई दिए। यहाँ से पहलगाम, कटरा, पत्नी टॉप, श्रीनगर के अलग अलग रास्ते जाते हैं, तो आप अपनी मंजिल चुनिए और चल पड़िए हमारे साथ श्रीनगर टू खनाबाल के सफ़र में। अब बारी थी हमारे दूसरे मंजिल की ओर रुकने की, जो कि है चौधरी ब्रदर्स की शॉप। तो ये मेरी जानी पहचानी शॉप नहीं है,
लेकिन अब जान गई हूँ यहाँ पे बहुत सारे तरह के स्नैक्स मिलते हैं खाने के लिए। अब रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं चलेंगे, तो मैंने उठा लिया लिम्का, जो कि मेरा रोड ट्रिप या ट्रेन ट्रिप दोनों में फेवरेट रहा है, और मेरे भाई के लिए स्लाइस एंड बाउंस के बिस्किट्स। रोड ट्रिप का सही मज़ा सिर्फ बैठ के नज़ारा एंजॉय करने में नहीं है, उस नज़ारे को फील करने में है, उसकी खूबसूरती को महसूस करने में है। रास्ते में मुझे बहुत सारे ट्रक दिखाई दिए जो कि एक लाइन से खड़े थे, और जब हमने ड्राइवर अंकल से पूछा तो पता चला कि ये 3 दिन से यहीं पे खड़े हैं, इन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया। थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, बट बाद में ख्याल आया कि अगर इन्हें छोड़ देंगे तो पक्का रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब बारी थी तीसरे मंजिल की तरफ रुकने की। अब लंच का टाइम हो गया था तो लंच तो करेंगे ही। मैंने राजमा चावल खाया। अब जम्मू आयो और राजमा चावल ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने राजमा चावल खाया और मम्मा ने खाए आलू पराठे, दोनों भी टेस्ट में सुपर्ब थे। गाइस, हम हमारे सफर पे चल रहे हैं, मतलब जाते वक्त हमें वैष्णो माता के दर्शन भी हो गए। अब हम रुके तो नहीं थे, लेकिन हमें वैष्णो माता की पहाड़ी ज़रूर दिख गई और हमने जय माता दी बोल के दर्शन कर लिए। वैसे तो मैं जागती नहीं हूँ, रोड ट्रिप के टाइम पे मैं सो ही जाती हूँ अक्सर, लेकिन आज मेरा सोने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ये सुंदर नज़ारे मिस ही नहीं करने थे। बारी थी हमारे चौथे मंजिल की तरफ रुकने की। आते आते हमें पता चला कि यहाँ की एक फेमस मिठाई है जिसका नाम पतीसा है, और वो प्रेम दी हट्टी जो कि यहाँ की बहुत पुरानी शॉप है और इसके कई सारे ब्रांचेस हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलती है। तो हमने सोचा चलो हम भी ले लेते हैं, और हमने वो मिठाई ली एंड वो टेस्ट में एकदम बढ़िया थी, लाइक मुँह में डालते ही वो मिठाई घुल जाती है। अब फिर क्या, मिठाई खाते खाते चल दिए अपने सफ़र पे, टोल प्लाजा आया और उसके बाद चेनानी नाशरी टनल आया जो कि यहाँ का सबसे बड़ा टनल है, वन ऑफ द बिगेस्ट टनल। ये 9 किलोमीटर का है और इसकी वजह से आजकल रोड ट्रिप बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है।
जैसे ही टनल खुला राहत मिली, क्योंकि बार बार वही चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा बोर होने लगा था, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आया। यहाँ पे ना छोटे छोटे टनल्स होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, क्योंकि वो लोगों के, यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ से वहाँ जाने, ट्रैवल करने के लिए। और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। आगे जाते इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता हो गया, हर तरफ डस्ट होने लग गई, और मुझे ऑलरेडी डस्ट पसंद नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था, ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता था। तो हमारे ड्राइवर अंकल ने कुछ टिकडम लगाया और फिर हमें शॉर्टकट से ले गए। तो चलो, मैं एक और टनल था जो कि सबसे बड़ा टनल था, वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर यहाँ पे अंकल ने बताया कि ये चेनाब नदी है जो कि पाकिस्तान जाती है। मैं तो शॉक रह गई, और इसका बहाव भी बहुत बढ़िया था। ये जो आपको पुल दिख रहा है ना, वो पुल भी नया बनाया गया है, न्यू कंस्ट्रक्शन। चेनाब नदी यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाती है। ये सोचते सोचते हमारा कैसा आधा रास्ता कट गया ये तो पता ही नहीं चला। रामबान, बनिहाल, ऐसे छोटे छोटे गाँव आते रहे और जाते भी रहे। अब मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल हो गया था 0, मेरा ही नहीं सबका, क्योंकि 4 घंटे से बैठे थे हम कार में। अब डॉक्यूमेंट करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मैं फिर भी आप सबके लिए डॉक्यूमेंट करती रही, वरना ये वीडियो तो फ्लॉप ही था हमारा। अब आगे जाते ही फिर एक टनल आने वाला था, तो वो टनल के बारे में बताऊँ तो उस टनल को पार करते ही अनंतनाग आ जाना था। तो फिर अंकल ने बताया कि वो टनल जो है वो 7 किलोमीटर्स का है, तो वो सेकंड बिगेस्ट टनल है। जो पहले वाला था वो 9 था, ये 7 किलोमीटर्स का है। और एक बात भी मैंने नोटिस की कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। तो अंकल ने बताया कि अनंतनाग में बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब उससे आगे आपको ठंड महसूस होने लग जाएगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पुणे में जो क्लाइमेट था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। तो मुझे ना कोई ठंडी जगह ही जाना था, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने पूरे जो समर वेकेशंस थे हमारे, तो वो मैंने यहाँ पे ठंडी हवाओं में स्पेंड किए।
इंतज़ार की घड़ी होने वाली थी ख़त्म, क्योंकि हमारा आने वाला था पांचवा और इस वीडियो का आखिरी स्टॉप खनाबल। जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि थोड़े दिन बाद आपको एपिसोड 4 भी मिल जाएगा, जिसमें हम पूरा श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे आप और हम मिलकर। तो आप उस व्लॉग के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पे मास्क पहनना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वाइट कलर का कुछ होता है यहाँ पे, अभी तक मुझे भी पता नहीं चला वो क्या है। तो ठंडियाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे वाइट कलर का कुछ उड़ता है, तो उस वजह से हमें मास्क पहनना पड़ा। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।